नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे परीक्षा मंथन का चैप्टर नंबर 6 मेमोरी। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने इस चैनल पर आगे के यानी प्रीवियस 5 चैप्टर्स को पीडीएफ वाइज एंड चेहरा दिखाकर वीडियोस डाल दिया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेमोरी शब्द की। तो थोड़ा सा हम दोस्तों थोड़ा सा इसके लिए सोचेंगे कि मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मेमोरी का मतलब होता है हिंदी में स्मृति। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्मृति का मतलब होता है कि याददाश्त। तो आज हम कंप्यूटर के स्मृति के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति के बारे में। तो कंप्यूटर की स्मृति क्या होती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि स्मृति का मतलब होता है याददाश्त या पुरानी बातों को याद रखना। तो दोस्तों, हमारा जो दिमाग होता है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, लाइक एज आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपका अग्र मस्तिष्क जो होता है वह आपके दैनिक क्रियाकलापों को वर्तमान समय में प्रोसेस करता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वहाँ पर आपकी इमोशंस होती है, डर लगता है, भय लगता है या प्यार मोहब्बत, जो भी चीज़ें होती है दोस्तों वो मध्य मस्तिष्क में होती है। लेकिन जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, जो पीछे होता है, वो आपके ज़िंदगी के पीछे छूट गए भागों को, पास्ट लाइफ को याद रखने में आपकी मधुर यादों को और दुखद पलों को याद रखता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर डिजिटल डेटा को प्रोसेस करती है और मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदलती है। तो कंप्यूटर में जो भी हम डेटा को इनपुट डिवाइसेस की सहायता से इनपुट करते हैं, वह डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है, मेन मेमोरी में, और वह डेटा प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम आता है उसे सेकेंडरी मेमोरी में भविष्य में उपयोग करने के लिए स्टोर कर लिया जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं मेमोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पीडीएफ से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी कंप्यूटर का एक मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है, और प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में आवश्यकता अनुसार उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है स्थायी रूप से। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेशों को मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजिटली रूप में स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मेमोरी जो होती है, मेमोरी इज ए हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट्स वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी की। तो जिसका एक टेबल आपके पीडीएफ में बना हुआ है, जिसे मैं आपको डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। मेमोरी का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, याददाश्त या स्मृति का, मेमोरी मुख्य रूप से 2 भागों में बटी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, यह कंप्यूटर की महत्वपूर्ण मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर के वर्तमान में किए जा रहे कार्य को स्वयं में स्टोर करके रखती है, और भविष्य और जब हम कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं तो वो डेटा कीबोर्ड से सीधा कहाँ जाता है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी में जाता है। तो और अगर हम कंप्यूटर से किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की सहायता से, तो वो डेटा सीधा मेन मेमोरी में जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेन मेमोरी के टाइप्स की। तो मेन मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 टाइप की होती है। पहली होती है नॉन वोलाटाइल, दूसरी होती है कैश मेमोरी और तीसरी होती है वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल यानी स्थाई मेमोरी जो होती है दोस्तों, वो रोम होती है। कैश मेमोरी जो होती है, इसका उपयोग कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अस्थाई मेमोरी यानी रैम की बात हो रही है। तो रैम जो होती है दोस्तों, कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जो वर्तमान में किए जा रहे निर्देशों को स्टोर करने का कार्य करती है। रैम मेमोरी की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है दोस्तों, आपके कंप्यूटर की वर्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होती है और उतनी ही तेज़ी से आपका कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग को कर पाता है। रैम मेमोरी दोस्तों सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि रैम में स्टोर डेटा तेज़ी से सीपीयू को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कंप्यूटर का सीपीयू उस डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करता है और कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसीलिए रैम जितनी ज़्यादा रहेगी, सीपीयू उतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर पाएगा, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता या इफिशियंसी बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद में हम
अब डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे रोम की। तो रोम जो होता है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सीपीसीटी में क्वेश्चन आता है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है, रोम पर क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। तो रोम के ऊपर जो डेटा होता है दोस्तों, उसे केवल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि रोम मेमोरी में एक फ्यूज लिंक होती है जिसे क्या किया जाता है, डेटा स्टोर करने के बाद जला दिया जाता है, ताकि उसमें दोबारा से डेटा को लोड ना किया जा सके। इसीलिए दोस्तों रोम मेमोरी जो होती है, इसके डेटा को दोबारा आप जो है राइट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे दोस्तों इस मेमोरी को आप जो है रीड ओनली मेमोरी कहते हैं दोस्तों। तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है मुख्य रूप से चार टाइप की होती है। तो इसे तीन टाइप की भी होती है या चार टाइप की होती है, तो रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रोम की। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिस पर कंप्यूटर का फर्मवेयर बायोस स्टोर होता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बायोस का पूरा नाम आता है दोस्तों। तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर के चालू होने के बाद कंप्यूटर के सभी पार्ट की जांच करता है कि सभी डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पीरोम की। तो पीरोम जो होती है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब कि इसमें प्रोग्राम करना ईजी होता है। इसके बाद ईईपीरोम, इसका पूरा नाम दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईईपीरोम, इसका नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। मैं आपको यहीं पर इनका अंतर बता रहा हूं दोस्तों। ईपीरोम जो होती है दोस्तों, इसमें डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट रे का यूज़ किया जाता है, और ईईपीरोम में डेटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको रोम के कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये रैम से भी तेज होती है, और इसका प्रयोग कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अस्थायी मेमोरी यानी रैम की। तो रैम जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रैम के टाइप की। रैम जो होता है दो टाइप की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो इसमें दोस्तों डायनामिक रैम की जो गति होती है वो धीमी होती है, और स्टैटिक रैम की जो गति होती है दोस्तों वो तेज होती है, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, जो कि डिस्चार्ज नहीं होते और इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद में हमारा प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब सेकेंडरी मेमोरी पर जाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर की ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहलाती है। इसे कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप की होती है। और दूसरी बात तो ये, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है दोस्तों, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो होती है दोस्तों, इसमें आप जो है डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप मेमोरी में स्टोर पहले क्रम के डेटा को स्टोर करेंगे तो उसमें कम समय लगेगा, लेकिन बाद में स्टोर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेस टाइम बढ़ जाता है दोस्तों। इसीलिए इसका प्रयोग कंप्यूटर में वर्तमान समय में नहीं किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे तो, और इसका प्रचलन भी कम हो चुका है दोस्तों। अब बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो गो अहेड दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय डिस्क की, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बताने वाला हूँ, वीडियोज़ पर पूरा बने रहे, पूरा वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, और बाद में आपको एक नंबर के लिए पछताना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क जो होती है दोस्तों, वो दिखने में तो चौकोर होती है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्क होती है वो तो गोली होती है दोस्तों। ये प्लास्टिक से बनी होती है और इसमें चुंबकीय पदार्थ की परत होती है दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग जो है पहले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था। अगर आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी होगी दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा जॉन अब्राहम जो है वो परमाणु परीक्षण का जो प्रोजेक्ट है वो अपनी फ्लॉपी डिस्क पर बनाता है। इस तरह से दोस्तों वो फ्लॉपी डिस्क पे बना करके
अपनी पैनल के सामने उसे रिप्रेजेंट करता है, परंतु उसके प्रोजेक्ट को नकार दिया जाता है और बाद में फिर उसी प्रोजेक्ट को काम किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मूवियाँ भी जो होती है वह भी ज्ञानवर्धक होती है। आप लोगों को मूवीज़ देखना चाहिए, उनसे बुरी चीज़ें छोड़ करके अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ से आप सीख सकते हैं दोस्तों। सीखने के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म और एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो एक टीचर ही दे सकता है। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों, नाम में ही लिखा है हार्ड डिस्क, तो डिस्क का मीनिंग होता है दोस्तों चकती। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो कठोर चकती होती है, जो कि धातु की पतली प्लेटों से मिलकर बनी होती है। हार्ड डिस्क के बारे में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वीडियो के आगे में देने वाला हूं दोस्तों। तो हार्ड डिस्क जो होती है मुख्य रूप से तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जीप डिस्क, जीप डिस्क इसे जीप के रूप में लगाया जाता है, डिस्क पैक, डिस्क पैक और विनचेस्टर डिस्क। तो डिस्क पैक जो होता है दोस्तों उसमें बहुत सारी प्लेटों को पैक करके रखा जाता है, और विनचेस्टर डिस्क जो होती है वो प्लास्टिक के कवर द्वारा ढकी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें लाइट के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लू रे डिस्क की। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है दोस्तों एक ऐसी डिस्क होती है जो जिसका प्रयोग लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सीडी रोम जो होती है दोस्तों, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। सीडीआर का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। और इसके बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म, CDRW का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट होता है। और DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के थर्ड टाइप इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो होती है मेनली दो भागों में बटी होती है, फ्लैश मेमोरी एंड पेन मेमोरी कार्ड। तो फ्लैश मेमोरी को पेन ड्राइव होती है दोस्तों, और मेमोरी कार्ड में आपकी चिप होती है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्राथमिक मेमोरी। तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, कंप्यूटर के वर्तमान समय में जो भी कार्य कर रहा है होते वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता जितनी ज़्यादा होती है आपका कंप्यूटर उतनी ही तेज़ी से कार्य करता है। तो वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मेन मेमोरी कहलाती है। मेन मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। तो दोस्तों सेल शब्द आपने कई बार सुना होगा, बायोलॉजी में सेल का मतलब कोशिका होता है, केमिस्ट्री में सेल का मतलब बैटरी होता है, और फिजिक्स में मोबाइल कंप्यूटिंग में सेल का मतलब कवरेज एरिया से होता है दोस्तों, और साइबर सेल में सेल का मतलब एक क्षेत्र से होता है दोस्तों। तो इस तरह से सेल का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन मेमोरी में सेल का मतलब मेमोरी के छोटे हिस्से से होता है दोस्तों। तो मेमोरी जो होती है अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें सेल या लोकेशन कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट को स्टोर किया जाता है जिसे वर्ड लेंथ कहा जाता है, और हमारे कंप्यूटर के रैम की या प्रोसेसर की वर्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा बिट का हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर उतनी ही तीव्र गति से कार्य करता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम, ये प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है जिनकी वर्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। लोकेशन में डेटा को लिखना राइट करना कहलाता है, और लोकेशन से डेटा को प्राप्त करना रीड करना कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी होती है या आईसी से बनी होती है, और आईसी का आविष्कार आपको पता है किसने किया था, आईसी का आविष्कार जेएस किल्वी ने किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की। तो ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर की ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस होती है, जितना भी यूजफुल डेटा होता है, उसे बैकअप के रूप में स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया दोस्तों बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है जैसे कि कोई मजदूर काम पे जाता है ना दोस्तों, तो वो 2 बजे के लिए अपने पास एक टिफिन लेके जाता है, तो बैकअप वो होता है दोस्तों। मतलब कि अब वहाँ तो घर का खाना ले जा नहीं, मतलब घर की गंजी बर्तन ले जा नहीं सकता, और घर भी आ नहीं सकता, तो वो अपने साथ में खाने का थोड़ा सा पार्ट ले जाता है, तो उसे कहते हैं बैकअप। वैसे ही दोस्तों कंप्यूटर में भी बहुत सारी फाइलें होती है, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है अगर वो फाइलें डिलीट हो गई तो फिर वो क्या करता है पेन ड्राइव में अपनी महत्वपूर्ण फाइलों को स्टोर करके रखता है। अगर कंप्यूटर चोरी हो भी गया तो उसकी इंपॉर्टेंट फाइलें तो उसकी पेन ड्राइव में रहेगी। वैसे कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव होती है वो डेटा के बैकअप के लिए प्रयोग हुई ना दोस्तों। अगर कंप्यूटर चोरी हो गया तो वो अपने फाइलों को कहाँ से लाएगा फिर?
और पेन ड्राइव में रहेगी तो वो उसको यूज़ कर लेगा। तो उस तरह से होता है दोस्तों बैकअप डेटा। तो बैकअप डेटा के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, और आपको पता है पेन ड्राइव क्या होती है, बैकअप मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। वैसे सीडी का यूज़ कर सकता है, डीवीडी का यूज़ कर सकता है, ब्लूरे डिस्क का यूज़ कर सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। हार्ड डिस्क और जो फ्लॉपी डिस्क होती है उनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और इनका उपयोग जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में लार्ज अमाउंट में सस्ते में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जानते हैं, तो हम तो सब कुछ जानते हैं, आपको मालूम है दोस्तों, है ना। तो क्या जानते हैं, वर्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, और वर्ड लेंथ को हम एक रोड की चौड़ाई के रूप में समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे 4 लेन हाईवे है तो उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ निकल सकती है, सिंगल पगडंडी है तो उससे 2-3 व्यक्ति ही निकल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर की वर्ड लेंथ यानी प्रोसेसर की जितने ज़्यादा बिट का प्रोसेसर होता है दोस्तों उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास 2 लैपटॉप है दोस्तों और एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर वाला है और एक 34 बिट माइक्रो प्रोसेसर वाला है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि 64 बिट वाला जो आपका लैपटॉप है वो दुगनी गति से कार्य करेगा, मतलब वो दुगनी चौड़ाई वाली सड़क हुई ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों स्थाई मेमोरी की। तो स्थाई वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन वोलाटाइल की, फिर बात करेंगे वोलाटाइल की। तो हिंदी मीडियम के छात्रों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, नॉन वोलाटाइल का मतलब वो अस्थाई कर देते हैं। तो भैया ऐसी गलती नहीं करना है, हिंदी मीडियम वाले भारत हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि स्थाई को इंग्लिश में नॉन वोलाटाइल बोलते हैं और अस्थाई को वोलाटाइल बोलते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा बना रहता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, स्थाई कहलाती है, तब तो डेटा बना रहता है। उसके बाद में दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर डेटा नष्ट हो जाता है वह स्थाई कहलाती है, मतलब वोलाटाइल कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैम की। तो रैम क्या होती है, तो मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों रैम जो होती है वो कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है, अगर कंप्यूटर में रैम ज़्यादा रहेगी तो कंप्यूटर तेज़ी से कार्य करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB की रैम लगी है और आप उस पर ऑनलाइन का वर्क करना चाहते हैं तो आप उसमें 2 GB की और रैम लगा दो, 4 GB की रैम हो जाएगी, तो नेट भी धकाधक चलेगा और आपका काम भी धकाधक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेमोरी में अलग अलग स्थानों पर डेटा को मेमोरी में कई स्थानों पर स्टोर किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो रैम ऐसी मेमोरी होती है दोस्तों उसमें किसी भी डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको एक समान समय लगेगा, लेकिन अगर आपको हार्ड डिस्क में किसी डेटा को स्टोर कर एक्सेस करना है तो उसमें क्या होता है कि पहले डेटा को एक्सेस करने में कम समय लगेगा, बाद वाले डेटा को एक्सेस करने में अधिक समय लगेगा, लेकिन वो समय भी इतना कम होता है दोस्तों कि अपने को लगता है उतना ही समय लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में रैम मेमोरी को दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम प्राइमरी मेमोरी में रोम की बात करेंगे दोस्तों। तो रोम का पूरा नाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसे बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर फर्मवेयर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डाल दिया जाता है जो कि बायोस की प्रोसेस को करता है, जो कि बुक में आप देख के पढ़ सकते हैं दोस्तों। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट और सिस्टम बूट प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो फर्मवेयर होता है बायोस दोस्तों वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रोम के टाइप की। उसके पहले एक रोचक तथ्य मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, तो रोचक तथ्य को ध्यान से देखें दोस्तों, इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोम में प्रोग्राम या डेटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है, डेटा एक बार डाल डालने के बाद फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि डेटा को बदला ना जा सके, इस कारण रैम में डेटा लिखना बर्निंग इन द डेटा कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम रोम के फर्स्ट टाइप पी रोम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार रिकॉर्ड कर दिए उसके बाद काम खत्म, डेटा को बदल नहीं सकते। उसके बाद में ईपी रोम की बात करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम आपको दिख ही रहा है दोस्तों।
तो ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को आपको मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे EEPROM की, तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब कि इसमें दोस्तों डेटा को मिटाने के लिए विद्युत विभव, उच्च विद्युत विभव मतलब हाई वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में सहायक मेमोरी के रूप में EEPROM यानी फ्लैश ड्राइव का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे रैम की। रैम तो आपको मैंने पहले भी बता चुका है दोस्तों, रैम सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। कंप्यूटर में जो भी डेटा डाला सीधा रैम में गया, रैम से सीपीयू में गया, सीपीयू से सीधा सेकेंडरी मेमोरी में रिजल्ट स्टोर हुआ, आउटपुट डिवाइस के द्वारा आपका आउटपुट दिखा, इस तरह खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे आजकल बाजार में दोस्तों रैम की क्षमता जो है गीगाबाइट में आ गई है। पहले 512 MB की रैम आती थी और 256 MB की रैम आती थी, लेकिन वर्तमान समय में 2GB 4GB ऐसी 8GB की रैम आ चुकी है दोस्तों। तो रैम को मदरबोर्ड पर SIMMs यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में लगाते हैं। वर्तमान में ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब रैम के कितने स्लॉट बने होते हैं दोस्तों, दो स्लॉट बने होते हैं। SIMM में 32-bit मेमोरी और DIMM में 64-bit मेमोरी है। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल घोट डालना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रैम जो होती है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक होती है आपकी डायनामिक रैम और दूसरी होती है आपकी स्टैटिक रैम। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपको वीडियो को अंतिम समय तक देखना है और पूरा वीडियो पर बने रहना है। इस समय में, वर्तमान समय में दोस्तों, शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि लोग समझाते कम है रटाते ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं रटाऊंगा दोस्तों। मेरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। 3 Idiots मूवी आपने देखा होगा, रटना नहीं है आपको, पढ़ना है, क्योंकि रटने से किसी का भला नहीं होता दोस्तों। अगर आपने रट लिया कि कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है तोता फल्ली की तरह दोस्तों, 2 महीने बाद भूल जाओगे कंप्यूटर क्या है तो पता नहीं। वैसा नहीं करना है दोस्तों, पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट को समझो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो रैम जो होती है दो प्रकार की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आपको डायनामिक रैम। सबसे पहले हम इस ओरिजिनेटेड वर्ड को समझते हैं दोस्तों, कि डायनामिक शब्द को कैसे ओरिजिन किया गया है। डायनामिक का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तनशील, और स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों स्थिर। तो नाम में ही, नाम से ही उसकी पूरी विशेषताएं झलकती है दोस्तों। जैसे मेरा नाम है प्रवीण कुमार बागड़े, प्रवीण का मतलब ही होता है दोस्तों एक्सपर्ट, और मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ जिस जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, डायनामिक रैम जो होती है वो क्या होती है, डायनामिक का मतलब ही होता है परिवर्तनशील। इसका जो डेटा है वो परिवर्तित होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये धीमी हो जाती है दोस्तों। इसका डेटा जो है वो बार बार परिवर्तित होता है, बार बार इसमें कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये मेमोरी जो है बार बार इसमें डेटा लोड होता है, जिससे टाइम कंज्यूमिंग होता है, कंप्यूटर की कार्यक्षमता घट जाती है दोस्तों। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की, जो स्थिर होती है, इसका डेटा दोस्तों बार बार नहीं बदलता, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं तो डेटा डिस्चार्ज नहीं होता, तो वो डेटा बदलता नहीं, तो मेमोरी को बार बार लोड होना नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है दोस्तों। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश मेमोरी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैश मतलब पैसा होता है, लेकिन पैसा नहीं होता दोस्तों, कैश का मतलब कुछ और भी हो सकता है। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है दोस्तों जो डेटा को तेजी से सीपीयू को अवेलेबल करवाती है। मैं आपको जानकारी के लिए चित्र के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, जैसे आपकी रैम जो होती है वो काय से जुड़ी होती है, सीपीयू से, आपको तो पता है। उसके बाद में इसके बीच में क्या होती है दोस्तों, कैश मेमोरी होती है। अब कैश मेमोरी क्या करती है दोस्तों, इसमें ऐसे महत्वपूर्ण डेटा को रखा जाता है जो जिसका बार बार प्रयोग करना है, तो उसको जल्दी से सीपीयू को ट्रांसफर कर देती है। कैश मेमोरी की क्षमता है वो तेज होती है दोस्तों, तो ये सीपीयू जो होता है दोस्तों वो 1 सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन रैम की गति उतनी नहीं होती कि वो सीपीयू को उतना डेटा उपलब्ध करवा सके। ऐसे टाइम पर हमको ऐसे मेमोरी की जरूरत होती है जो सीपीयू को तेजी से डेटा अवेलेबल करवा सके। तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लो कि एक मिस्त्री है दोस्तों, वो एक दिन में 1000 ईंटा जोड़ सकता है। अब उसके पास 2 कुली, अब दोनों कुली इतने अलाल है दोस्तों कि वो उसे 500 ईंटा ही दे पाते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में उसे एक ऐसे एक्सपर्ट कुली की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो उसे 1,000 ईंटा दे सके। और मान लो कि वो 1,000 नहीं दे पाया तो 800 तो देगा, और 800 देगा तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, और उसको तो एक ही व्यक्ति को मजदूरी देना है ना दोस्तों। तो इसी तरह से आप कैश मेमोरी का प्रयोग करते हो तो आपको ज़्यादा क्षमता की रैम की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कैश मेमोरी अच्छी है तो आपके सीपीयू की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, तेजी से कार्य करता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूँ दोस्तों, कैश मेमोरी अब ज़्यादा क्षमता देती है तो ऑब्वियसली इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और ये तेजी से कार्य करती है। इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हुआ, और इसकी जो क्षमता है दोस्तों 256 KB और 4 MB के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकीय डिस्क बताने वाला हूं। तो चुंबकीय डिस्क के बारे में आपको बता दूं, चुंबकीय डिस्क ऐसी डिस्क होती है दोस्तों जिसके अंदर मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। आप देखोगे दोस्तों हार्ड डिस्क को कभी आप खोल के देखना, उसको फोड़ के देखना, उसके अंदर में चुंबक निकलता है दोस्तों। उसमें चुंबकीय पदार्थ, उसमें जो धातु की पतली प्लेटें होती है उसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ की परत होती है, और वो धातु की कठोर प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इस कारण उसे हार्ड डिस्क कहा जाता है दोस्तों। इसमें डेटा को पढ़ने के लिए और रीड और राइट करने के लिए रीड राइट हेड लगे होते हैं, और इसमें चुंबकीय पदार्थ की परत होती है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, रीड राइट हेड जो होता है उसका फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता डिस्क से, क्योंकि वो उसके बीच में 3 से 4 नैनोमीटर की दूरी होती है दोस्तों। इसीलिए उसमें उसे पत्थर के कण और धूल आदि से बचा के रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि धूल आदि के कण से बचा रहेगा तो हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश नहीं होती। और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, इसकी क्षमता GB में मापी जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चुंबकीय डिस्क में सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क की। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क जो होती है चौकोर होती है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्क होती है वो गोली होती है। फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है दोस्तों वो 101.44 MB से लेकर 2.88 MB तक होती है, और इसके प्रत्येक सेक्टर की जो स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों वो 512 बाइट होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको बिल्कुल घोट लेना है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, एक निचले कोने पर एक क्या होता है दोस्तों, निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र राइट प्रोटेक्ट नोच होता है, जिससे आप डेटा को राइट करके उसे क्लोज कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा डेटा को राइट ना किया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए एक बहुत ही रोचक तथ्य है, फ्लॉपी डिस्क का नाम फ्लॉपी इसीलिए पड़ा क्योंकि यह लोचदार प्लास्टिक से बनी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हार्ड डिस्क की, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका है। हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें स्टोर होती है, और जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में लोड होता है। क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कहाँ पे लोड होता है, रैम में होता है लोड, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका है। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, हार्ड डिस्क जो होती है आपकी वो एल्यूमिनियम का बना एक पतला डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता, इसीलिए इसे हार्ड डिस्क कहा जाता है। और इस डिस्क के दोनों सतहों पर डेटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक सतह पर रीड राइट हेड लगे होते हैं, इसीलिए इसे डबल साइडेड डिस्क भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की। तो हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ट्रैक बने होते हैं। प्रत्येक हार्ड डिस्क को अनेकों ट्रैक्स में बांटा जाता है। इसमें जो भी गोल गोल जो आपको रास्ता दिख रहा है दोस्तों, वो ट्रैक होता है। आप लोगों ने रनिंग किया होगा दोस्तों 200 मीटर 400 मीटर वाली उसमें ट्रैक बने होते हैं, वैसे इसमें ट्रैक बने होते हैं। और प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है, और प्रत्येक सेक्टर में ब्लॉक बने होते हैं, और प्रत्येक ब्लॉक में जो दोस्तों प्रत्येक सेक्टर में ब्लॉक बने होते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को पढ़ा जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विनचेस्टर डिस्क। तो वर्तमान समय में दोस्तों जो हार्ड डिस्क प्रयोग हो रही है उसे विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क पैक को एक एक्सिस पर घुमाने के लिए एक मोटर लगी होती है, और हार्ड डिस्क की प्रत्येक सतह पर रीड राइट हेड लगा होता है। इसके अलावा इस डिस्क को सील करके रखा जाता है। विनचेस्टर डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक करने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इसमें धूल के कण नहीं जाते, ये क्रैश नहीं होती। इसमें डेटा को ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर भी स्टोर किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चुंबकीय डिस्क का एक्सेस टाइम। तो चुंबकीय डिस्क जो होती है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज होती है, मतलब इसका एक्सेस टाइम जो होता है दोस्तों वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसका जो एक्सेस टाइम होता है
वो क्या कहलाता है। तो एक्सेस टाइम होता है दोस्तों, कंप्यूटर की रैम मेमोरी में डेटा को पहुंचने में जितना समय लगता है या कंप्यूटर के सीपीयू तक डेटा को पहुंचने में जितना समय लगता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है दोस्तों। एक्सेस टाइम जितना कम होता है आपका कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे वीडियोस में। क्या आप जानते हैं FAT? FAT क्या होता है दोस्तों? FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि NTFS का पूरा नाम क्या होता है CPCT में। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका मतलब होता है कि इसमें किसी भी फाइल तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर के CPU को कम से कम समय लगता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें डेटा को पढ़ने के लिए और डेटा को लिखने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे लेज़र डिस्क भी कहा जाता है। इसे कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लेज़र डिस्क किस डिस्क को कहा जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क को ही लेज़र डिस्क कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में दोस्तों जैसे आपने हार्ड डिस्क में देखा कि अनेक ट्रैक बने होते हैं, वैसे इसमें ट्रैक बने नहीं होते दोस्तों। इसमें भी ट्रैक बने होते हैं लेकिन वो सर्पिलाकार बने होते हैं, जिसे स्पाइरल कहा जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ऑप्टिकल डिस्क में स्पाइरल ट्रैक होते हैं जिसके कारण इसमें डेटा को रीड राइट करने में आसानी होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पर बने रहना है दोस्तों, जाना नहीं है, पानी पी के पानी की बॉटल लेके बैठिए। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के। ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल ड्राइव में डालकर डेटा को लिखा हुआ पढ़ा जाता है। इसके लिए सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, फोटोडायोड या लेंस होता है। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी धुरी पर घुमाया जाता है। आपने CD या DVD को देखा होगा दोस्तों, जब उसे VCD में प्लेयर में डालते हैं तो वो डिस्क घूमते रहती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं CD-ROM की। CD-ROM जो होती है दोस्तों ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसका पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका प्रयोग जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड यानी अवरक्त लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें CD-ROM का जो डायमीटर होता है दोस्तों, व्यास जो होता है वो 120 मिलीमीटर होता है तथा मोटाई जो होती है वो 1.2 mm होती है दोस्तों। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है, मतलब कि आप एक HD मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें 80 मिनट का वीडियो डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD-ROM को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है जिसमें रीड राइट हेड लगा होता है और भी चीज़ें दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों CDR की, CD रिकॉर्डेबल की। तो यह एक ऐसी CD का टाइप होता है दोस्तों जिसमें हम डेटा को राइट कर सकते हैं। CDRW, इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क का बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे DVD की। DVD जो होती है दोस्तों वो CD का ही एडवांस फॉर्म होता है। DVD की CD की क्षमता कम होती है, इसीलिए डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो DVD का पूरा नाम होता है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दो फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि DVD की क्षमता कितनी होती है। तो 8.5 GB होती है डबल सतह के लिए और सिंगल सतह के लिए 4.7 GB होती है दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों सिंगल लेयर के लिए, एकल लेयर के लिए 4.7 GB और डबल लेयर के लिए 8.5 GB। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रीड राइट हेड के बीच में भौतिक संपर्क नहीं होता, सिर्फ वो जो है लेज़र किरणों को डाल करके डेटा को रीड राइट किया जाता है। इसमें डेटा को 30 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लू रे डिस्क की दोस्तों। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है, ब्लू मैंने कलर भी ब्लू ले लिया है दोस्तों ब्लू रे डिस्क के लिए। तो बात करेंगे दोस्तों ब्लू रे डिस्क की। तो ये दोस्तों बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वहां पर, जैसे TCS कंपनी है, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे MIS सेंटर होते हैं जहां पर डेटा को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क और डबल लेयर ब्लू रे डिस्क। तो सिंगल लेयर जो होती है दोस्तों उसमें इसमें ब्लू कलर के लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिससे डेटा को रीड और राइट किया जाता है। तो जो सिंगल लेयर होती है उसकी क्षमता जो होती है दोस्तों 25 GB होती है और डबल लेयर के लिए 50, इसका दुगुना कर दो दोस्तों 50 GB होती है। तो ये क्षमता को याद रखना है आपको दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फिर से रोचक तथ्य दोस्तों कि 50 GB
डिजिटल डेटा को 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो या 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि 50 GB की ब्लूरे डिस्क में हम 9 घंटे का डिजिटल वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी शादी की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पेन ड्राइव पर दोस्तों। तो पेन ड्राइव के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, पेन ड्राइव को पेन ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेन की तरह अपने जेब में लेके घूम सकते हैं। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसे कंप्यूटर पे लगाते हैं तो यह आइकॉन के रूप में डिस्प्ले होता है, जिसे ओपन करके आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। इसे प्लग एंड प्ले मतलब कि लगाओ और खेलो वाली डिवाइस भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे आप यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट में लगा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ये डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए वाइडली यूज की जाती है। तो मैं पेन ड्राइव के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। पेन ड्राइव इज़ मेनली यूज्ड फॉर डेटा शेयरिंग, इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे पेन ड्राइव की जो क्षमता होती है दोस्तों, 10 GB, 8 GB, 16 GB, 64 GB, इस तरह की मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। 64 GB की पेन ड्राइव जो है दोस्तों वो 750 के आसपास मिल जाती है, जिससे आप अपने कंप्यूटर के डेटा को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेमोरी कार्ड जो होती है दोस्तों, यह एक पतले आकार का छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर IC की सहायता से बहुत ज़्यादा डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड को दोस्तों शॉर्ट में MMC कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। तो कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि MMC का पूरा नाम क्या होता है, तो MMC का पूरा नाम होता है दोस्तों मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया मतलब कि कई प्रकार के सूचनाओं को स्टोर करने वाला माध्यम। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फ्लैश मेमोरी की। तो फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है दोस्तों पेन ड्राइव मतलब EEPROM। इसमें डेटा को हटाने के लिए उच्च विद्युत विभव का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेन ड्राइव में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्मार्ट कार्ड की। तो वर्तमान समय में लोग स्मार्टफोन और स्मार्ट कार्ड का यूज़ बहुत करते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे स्मार्ट कार्ड की। स्मार्ट कार्ड जो होता है दोस्तों, एक चिप वाला कार्ड होता है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहा जाता है। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है, यानी IIC भी कहा जाता है दोस्तों। यह एक छोटा प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लगी होती है, जिसमें डेटा का परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसका उपयोग। तो इसका उपयोग क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड में किया जाता है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का। तो सबसे पहले मैं बात करूं द ओरिजिन ऑफ वर्ड वर्चुअल, वर्चुअल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्चुअल का मतलब होता है दोस्तों आभासी। अब क्या होता है दोस्तों कि कंप्यूटर की जो रैम होती है, कई बार उसकी क्षमता कम होती है और हमको बहुत बड़े प्रोग्राम को कंप्यूटर में चलाना होता है। ऐसे टाइम में हम कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा पार्ट रैम से CPU में ट्रांसफ़र करते हैं और इस कंप्यूटर में प्रोग्राम को चलाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, आप बड़े सॉफ्टवेयर को अगर कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है दोस्तों। अब वर्चुअल मेमोरी का लाभ, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार कम होने के कारण इसका कंप्यूटर में बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन संभव हो पाता है। अब वर्चुअल मेमोरी का दोष, वर्चुअल मेमोरी का दोष इस प्रकार से होता है दोस्तों कि इसके लिए बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रोग्राम के निष्पादन में अधिक समय लगता है, मतलब मेमोरी कंज्यूम होती है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम चलाना है तो ऑब्वियसली मेमोरी तो कंज्यूम होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, जो डेटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह 1 bit 0 1 को अस्थायी रूप से भंडारित करता है। मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या करता है दोस्तों, ये बिट, मात्र एक ही बिट के डेटा को स्टोर करता है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, तो इसको तो बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी का स्थान कहाँ होती है, मदरबोर्ड पर यानी कंप्यूटर के भीतर। अब सेकेंडरी मेमोरी कहाँ होती है दोस्तों, वो कंप्यूटर के बाहर, कंप्यूटर के बाहर यानी मदरबोर्ड से दूर होती है, मदरबोर्ड से लगी होती है। अब प्रकार की बात करें तो रैम जो होती है अस्थायी होती है, लेकिन इसका अपवाद आपको पता है रोम, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्थायी होती है, यानी नॉन वोलाटाइल होती है। क्षमता जो होती है रैम की सीमित होती है और हार्ड डिस्क की असीमित होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी की। और प्राइमरी मेमोरी की गति तेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी धीमी होती है।
प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है क्योंकि ये कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। सेकेंडरी मेमोरी की गति कम होने का एक कारण ये भी होता है दोस्तों, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में 1000 GB की हार्ड डिस्क होती है। अब 1000 GB की हार्ड डिस्क में आप अपनी फाइल को सर्च मारोगे तो टाइम तो लगेगा दोस्तों। अगर आपका कमरा छोटा सा है दोस्तों और अगर आपको वहाँ पर अपनी कोई इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की बुक ढूंढना है तो आप 2 मिनट में ढूंढ लोगे, लेकिन आप लाइब्रेरी में डाल देंगे आपको जहाँ पे 10,000 बुक है तो वहाँ पे तो आपको अपना डेटा ढूंढने में टाइम लगेगा ना दोस्तों। तो हार्ड डिस्क इसीलिए धीमी होती है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर होता है, रैम छोटी सी होती है 2 GB 4 GB की, तो उसमें डेटा जल्दी मिल जाता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें दोस्तों तो रजिस्टर जो होता है वो सबसे तेज होता है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क होती है और सबसे धीमी होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि उसमें डेटा को स्पाइरिकल स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है दोस्तों, जिसमें प्रत्येक सेक्टर की क्षमता 512 बाइट होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों वृहद स्टोरेज डिवाइसेस। तो वृहद स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क एरे की। तो उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क में कई सारी धातु की पतले प्लेटें होती है, इसीलिए उसे डिस्क एरे कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमको वीडियो पे पूरा बना रहना है दोस्तों, आपको बिल्कुल बीच में छोड़ के नहीं जाना है। सीडी रोम और जूक बॉक्स। तो यह एक सीडी रोम डिस्क और सीडी रोम ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जो एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। एक जूक बॉक्स में सैकड़ों सीडी रोम यानी सीडियों का समूह सीडी रोम जूक बॉक्स कहलाता है दोस्तों। इसका प्रयोग लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया दोस्तों, आर्काइव। अर्काइव के लिए किया जाता है, अर्काइव का मतलब होता है दोस्तों छुपाना। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप में अपनी चैट को अर्काइव करके रख लेते हैं ताकि मम्मी पापा भाई बहन जो है हमारे पर्सनल चैट को पढ़ ना पाए। लेकिन दोस्तों मोबाइल चलाने वाले लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते, स्मार्टफोन चलाने वाले स्मार्ट ही होते हैं, तो अर्काइव ना करें, चैटें डिलीट कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बफर। बफर क्या होता है दोस्तों, बफर का मतलब होता है अस्थायी स्टोरेज। तो हमारे कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारी मेमोरी होती है जो बफर की तरह कार्य करती है। तो बफर का उद्देश्य एक ही है कि यह अस्थायी रूप से डेटा को भंडारित करना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पूलिंग की। तो स्पूलिंग का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले। तो ये बफर जो होता है ना दोस्तों, इसका प्रयोग जो है प्रिंटर में किया जाता है। क्या होता है, प्रिंटर को बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। अब प्रिंटर तो उतने जल्दी जल्दी प्रिंट कर नहीं सकता जितने जल्दी जल्दी हम उसको प्रिंट की रिक्वेस्ट दे देते हैं। तो वो जानकारी प्रिंटर के एक मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर रहती है कि कौन कौन से डेटा को आपको प्रिंट करना है, तो वो जानकारी बफर मेमोरी में स्टोर की जाती है। और स्पूलिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम जानकारियों को एक क्यू में या एक पंक्तिबद्ध तरीके से स्टोर करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी का चयन। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी का चयन जो होता है दोस्तों, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम या रोम, ये तीव्र गति वाली मेमोरी होती है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि मेन मेमोरी क्या होती है, तेज होती है प्राइमरी मेमोरी, परंतु इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो कम होती है और लागत अधिक होती है। जबकि दूसरी तरफ जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे दोस्तों आप 1000 GB की हार्ड डिस्क लेने जाते हो तो वो सस्ती मिल जाती है आपको और डेटा भी ज़्यादा स्टोर होता है। तो आपको कंप्यूटर में ऐसी मेमोरी का चुनाव करना है जो कम पैसे में बम फायदा दे आपको, यानी कम पैसे में बम आवाज़। तो ऐसे करके आप जो है दोस्तों अपने कंप्यूटर में कार्य क्षमता, अब ये डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों और समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज क्षमता की। सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों मैग्नेटिक टेप की, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क की, फिर मैग्नेटिक डिस्क की, फिर रैम की, फिर कैश की, फिर रजिस्टर की। मतलब रजिस्टर की क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों, लेकिन एक्सेस टाइम की बात करें तो सबसे कम एक्सेस टाइम रजिस्टर का, फिर कैश मेमोरी का, फिर रोम का, यानी सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होता है मैग्नेटिक टेप का, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप, और इसमें डेटा को रीड राइट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है जिससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता घट जाती है। इसके बाद में हम कीमत की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कीमत का होता है रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी रैम रोम से भी महंगी होती है, सबसे सस्ती होती है आपकी मैग्नेटिक टेप। इसके बाद में मैं बात करूंगा गति की दोस्तों। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी इकाई क्या होती है, तो वो रजिस्टर होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होती है, फिर आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा मेमोरी का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी
इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके रख ले और हमारे वीडियो पर बने रहे। तो मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद दोस्तों।